नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। भोले बाबा को ड्राइवर पर भी भरोसा नहीं, पूछता कहाँ चलना है जवाब देता प्रभु जाने। घर टूटा फूटा आश्रम 20 बीघा के भोले बाबा उर्फ सूरज पाल का कासगंज जिले में गांव बहादुर नगर 20 बीघे में भव्य आश्रम। आश्रम के बाहर 5 हैंड पंप पर भीड़ लगी है। अनुयायियों को यकीन है कि पानी पीने से उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी। हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ से बाबा गायब है। अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बाबा के लिए आस्था उसके आश्रम के बाहर से ही दिख जाती है। टीम पटियाली स्थित बहादुर नगर गांव पहुंची। बाबा का परिवार किस हालत में है, बाबा का रहस्य क्या है, उस व्यक्ति ने बताया। 2001 में भोले बाबा ने आश्रम बनाया। जब सत्संग शुरू किया तब भीड़ नहीं आती थी। उस वक्त बाबा भीड़ के बीच अपने लोगों को बैठाता था। ये लोग अपनी अपनी समस्या बताते और बाबा उसका तुरंत निदान बता देता। ऐसे लोग यह भी कहते हैं कि उन्हें बाबा के बताए उपाय से फायदा मिला, इससे बाकी लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। फिर हर मंगलवार को आने वाली भीड़ भी बढ़ने लगी। भोले बाबा आश्रम के बाहर लगे हैंडपंप से पानी पी लेने पर सब कुछ ठीक हो जाने की बात करने लगा था। इस वक्त आश्रम के बाहर 5 हैंडपंप एक लाइन से लगे हैं। इसके अलावा आश्रम के आसपास करीब 20 हैंडपंप लगे हैं। बाबा को इलाके के दूसरे धर्म गुरुओं से चिट। भोले बाबा के आश्रम से करीब 12 किलोमीटर दूर बाबा अनेक दास का आश्रम है। अनेक दास पहले गाड़ी चलाते थे, वह हर मंगलवार लोगों को भोले बाबा के आश्रम तक पहुंचाते थे। करीब 3 साल ऐसा करने के बाद उन्होंने गाड़ी चलाना बंद कर दिया। 2010 से उन्होंने भी आश्रम खोल लिया और हर सोमवार को उनके यहाँ भी भीड़ लगने लगी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।